की बुक का चैप्टर नाइन सॉइल तो सॉइल इज द मोस्ट नेचुरल रिसोर्स यानी कि मिट्टी सबसे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल नेचुरल रिसोर्स रिसोर्स है का मतलब होता है जो चीज हमें नेचर से हमें अपने एनवायरमेंट से मिलती है उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं तो जो सॉइल है मिट्टी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है इट प्रोवाइड एंकरेज टू प्लांट्स इन सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस तो मतलब जो पेड़ हैं वो कहाँ पर उगते हैं वो तो मिट्टी में ही उगते हैं तो मिट्टी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पेड़ों के उगने के लिए मिट्टी ही नहीं होगी तो कहाँ पर उगेंगे है ना तो एंकरेज प्रोवाइड करती है मतलब सहारा प्रोवाइड करती है इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज़म्स काफ़ी सारे ऑर्गेनिज़म जीव जंतु मिट्टी पर रहते हैं हमारे घर भी तो मिट्टी पर ही बने होते हैं सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए खेती के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर की वजह से हमें खाना मिलता है कपड़े मिलते हैं रहने की जगह मिलती है सॉयल इज़ दस इन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आर लाइफ तो मिट्टी जो है हमारी जिंदगी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थली फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग तो जो मिट्टी की खुशबू आती है जो पहली बारिश होती है तो वो कितनी ज्यादा अच्छी लगती है है ना तो अब देखिए सॉइल टीमिंग विथ लाइफ तो सॉइल किस तरीके से हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है वन डे ड्यूरिंग रेनी सीजन पहेली एन बूजो ऑब्जर्व्ड इन अर्थ वार्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल तो एक दिन पहेली और बूजो ने देखा कि एक अर्थ वार्म अर्थ वार्म कीड़ा होता है वो मिट्टी में से निकल के आ रहा है पहेली ने सोचा कि क्या दूसरे ऑर्गैनिज्म भी मिट्टी में रहते होंगे तो इन लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का किया मिट्टी वगैरह खुद ही केयरफुल एग्जामिन किया तो देखा कि काफ़ी सारे जीव जंतु काफ़ी सारे जानवर मिट्टी में रहते हैं सॉइल प्रोफाइल अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है सॉइल इज composed ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर मतलब जो सॉइल होती है ना मिट्टी में जैसे कि ये सपोज करिए मिट्टी है मिट्टी में अलग अलग लेयर्स होती है सॉइल इज कम्पोस्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स परफॉर्म ठीक है अब हमें लेयर्स यहाँ पे दिखेंगी इसमें यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है परफॉर्म अगर एक्टिविटी हम लोग देखें टेक अ लिटिल थोड़ी सी हम लोगों को मिट्टी ले लेनी है ब्रेक द क्लम्ब्स विद योर हैंड टू पाउडर इट मिट्टी लेनी है और फिर जो उसमें गांठे सी पड़ी होती है ना उसको अपने हाथ से तोड़ लीजिए नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर मतलब एक कांच का ग्लास लेना है आपको और उसको तीन चौथाई पानी से भर देना है फिर एंड देन एड हैंडफुल ऑफ सॉइल पहले तो आप लोगों को क्या लेनी है मड टाइप की मिट्टी लेनी है जो वो होती है ना जो एक तो सॉइल होती है सॉइल रेस टाइप का होता है और मिट्टी होती है थोड़ी जो येलो येलो कलर की होती है स्टिल इट अ स्टेक टू डिजोल्व द सॉइल ठीक है तो हम लोगों को क्या करना है पानी लिया फिर हम लोगों ने पानी में क्या कर दिया मिट्टी मिला दी लेट इट स्टैंड स्टैंडिस्टर्ब फॉर समाइम आफ्टर वर्ट ऑब्जर्व इट ठीक है पहले आपने मिट्टी मिला दी थी सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था सबसे पहले आपने सॉइल ली थी ठीक है उसके क्लम्प्स किए थे मतलब मिट्टी ली थी और उसको तोड़ लिया था फिर आपने एक ग्लास में पानी लिया था उस ग्लास में मिट्टी डाल दी थी फिर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि कई सारी लेयर्स बन जाती हैं उस मिट्टी में सबसे नीचे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो चले जाते हैं फिर जो रेत जैसा होता है वो आ जाती है फिर मिट्टी में ही क्ले भी होती है क्ले जो होता है ना वो थोड़ा चिपचिप चिपचिप सी मिट्टी होती है वो उसके ऊपर आ जाती है फिर पानी आ जाता है और फिर वो जो उसमें पत्ते और ये सब चीज़ें होती हैं ना कीड़े मकोड़े ये सब उसके और ऊपर आ जाते हैं तो ये अलग अलग लेयर्स होती हैं सॉइल की तो हम लोग को अगर रोटिंग डेड एनिमल्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस तो जो रोटिंग डेड एनिमल्स डेड एनिमल्स हो गए या लीफ हो गई प्लांट्स की ये सारे के सारे मिल करके ह्यूमस बनाते हैं ह्यूमस क्या होता है जो पत्तियाँ और कीड़े जो होते हैं जो सड़ रहे होते हैं मिट्टी में वो ह्यूमस होते हैं वो न्यूट्रिय प्रोवाइड करते हैं मिट्टी को यू प्रोबेबली नो दैट सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाई द एक्शन ऑफ विंड वाटर क्लाइमेट तो मिट्टी कैसे बनती है सॉइल कैसे बनती है जो रॉक्स होते हैं ना बड़े बड़े पत्थर होते हैं मेनली जो पहाड़ों से आते हैं वो पत्थर जब हवा की वजह से पानी की वजह से हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जब वो टूट जाते हैं तो उससे मिट्टी बनती है और इस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट ह्यूमस भी इंपॉर्टेंट है कि रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस सो रोटिंग डेड मैटर जो होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं वेदरिंग किससे कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स रॉक्स का टूट जाना रॉक्स होते हैं पत्थर पत्थर का टूट जाना हवा की वजह से पानी की वजह से या फिर क्लाइमेट की वजह टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट तो जो सॉइल का नेचर होता है ना वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के वहां पर रॉक्स होंगे क्योंकि उस रॉक से ही तो वहां की सॉइल बनेगी तो जिस तरीके की सॉइल होगी उसी तरीके के वहां पर पेड़ उगेंगे है ना तो वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल टू वर्टिकल सेक्शन देखिए वर्टिकल होता है इस तरीके से जो ऐसा लंबा खड़ा सीधा होता है ना इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना उसमें सॉइल में कई कई अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं अभी हम देखेंगे ईच लेयर डिफर्स इन फील टेक्स्र टेक्स्चर मतलब हर जो लेयर होती है ना वो अलग अलग सी होती है कोई रेतीली होती है कोई पथरीली होती है तो किसी कोई चिकनी होती है ना तो सॉइल प्रोफाइल में सॉइल का टेक्स्चर चेंज होता रहता है उसका कलर भी चेंज होता है मिट्टी का उसकी डेप्थ गहराई के हिसाब से केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से तो लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजन तो इन जो लेयर्स होती है ना जो हॉजोंटल लेयर्स होती है ये सॉइल प्रोफाइल है और आपके एग्जाम के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये है सॉइल uh, प्रोफाइल तो ये जो सॉइल प्रोफाइल है ना इसमें देखिए क्या क्या है कितने सारे हॉरिजन है सबसे ऊपर वाला जो है सबसे टॉप वाला है इसको हम लोग ए हॉरिजन बोलते हैं जिस पर हमारे पेड़ पौधे उगते हैं इसके नीचे जो है ना इसके नीचे वाला जो आता है इसको हम लोग बी हॉरिजन बोलते हैं और उसके नीचे जो है उसमें और बड़े थोड़े कंकड़ पत्थर होते हैं और सबसे बड़ी नीचे होती है बेड रॉक ये जो बेड रॉक होती है ना इसी से ही तो ऊपर की जो रॉक्स है टूट टूट करके बनी हुई होती हैं तो देखिए और इन पूरे के पूरे इलाकों को ये जो पूरा का पूरा है, अलग अलग हुआ सी द टॉप सरफेस ऑफ दॉइल हम लोगों को तो टॉप ऊपर वाला जो एरिया है सॉइल का वही दिखता है और उसकी जो नीचे वाली लेयर्स होती है वो तो हमें दिखाई नहीं देती इफ वी लुक एट साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच का मतलब होता है गड्ढा डग का मतलब होता है खोदना अगर हम लोग जो हम लोगों ने गड्ढा खोदा है तुरंत जैसे खोदा है तो उसके किनारे किनारे अगर हम देखेंगे तो हम लोगों को जो अंदर की टाइप अंदर वाली सॉइल है ना मिट्टी वो देखने के लिए हमें मिल जाएगी सच अ व्यू अनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द दॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस तो जब हम गड्ढा खोदते हैं अंदर की सॉइल देखते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि उस इलाके की मिट्टी कैसी है सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग तो सॉइल प्रोफाइल को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं जब हम एक कुएँ को खोद रहे हैं या फिर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं घर वगैरह बनाते हैं तो भी गहराई में खोद करके बनाते हैं ना पहले नींव डाली जाती है नीचे की तरफ तभी हम लोग देख सकते हैं कि उस जमीन की मिट्टी कैसी है इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ अ रोड और अ हिल और अ स्टीप रिवर और रिवर के पास और रोड uh, के किनारों में भी हम देख सकते हैं अपर मोस्ट जो हॉरिजन होता है वो उसका कलर जो होता है ना वो जनरली डार्क इन कलर होता है डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स तो जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होती है ना वो क्या होती है सबसे ऊपर वाली लेयर डार्क गहरे गाढ़े रंग की होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस ह्यूमस क्या पढ़ा था हमने ह्यूमस होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और उसमें मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे ह्यूमस की वजह से ही जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स तो सबसे ऊपर वाली लेयर में ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है इसकी वजह से वहां पे प्लांट्स अच्छे से उग पाते हैं द लेयर इज जनरली सॉफ्ट वो सबसे ऊपर वाली लेयर काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है पोरस का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि पानी आराम से ऊपर नीचे जा सके एंड सर्टेन एंड एंड कैन रिटेन मोर वाटर दिस इज कॉल्ड टॉप सॉयल या फिर ए हॉरिजन इस वाले को हम बोलते हैं देखिए एक हमारा ये बॉक्स रह गया था देखिए पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल पॉलीथीन के बैग्स जो होते हैं प्लास्टिक जो होती है ना वो सॉइल को पोल्यूट करती है और ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में रह रहे होते हैं उनको मार देती है इसलिए जो पॉलीथिन है उस पर बैल लगाया गया है पॉलीथिन में काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स पेस्टिसाइड्स वगैरह जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए और बाकी सारे केमिकल वो भी मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं इस वैसे जो केमिकल्स पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक के जो बैग्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं

चूहे और मोल्स और बीटल्स काफ़ी कीड़े मकौड़े मतलब ये हॉरिजन में रहते हैं द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन दॉप सॉयल और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनके रूट्स तो सिर्फ और सिर्फ टॉप सॉइल में ही होती है अब नेक्स्ट लेयर जो है उसमें ह्यूमस का अमाउंट काफी ज्यादा कम होता है बट उसमें मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं ये लेयर जो है वो हार्ड होती है और काफी कैरी होती है कॉम्पैक्ट होती है इसको हम लोग बी हॉरिजन या फिर मिडिल लेयर कहते हैं तो टॉप लेयर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा ह्यूमस किस लेयर में होता है तो टॉप लेयर जो होती है ना ए हॉरिजन उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है फिर बी हॉरिजन में ह्यूमस कम होता है बट मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं और हार्ड होती है ये अब थर्ड लेयर आती है सी हॉरिजन सी हॉरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्ब ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रिवाइसिस तो सी हॉरिजन जो है उसमें लम्ब्स होते हैं रॉक्स के टुकड़े टुकड़े होते हैं और क्रैक्स होते हैं छोटे छोटे ठीक है बिलो दिस लेयर इज बेड रॉक तो जो सी हॉरिजन था उसके नीचे क्या होती है बेड रॉक होती है विच इज़ हार्ड एंड इज डिफिकल्ट टू डग विद द स्पेड और काफ़ी ज्यादा जो बेड रॉक होती है ना जिससे पूरी की पूरी रॉक बन करके आई होती है ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और उसको खोदना भी मुश्किल होता है स्पेड से कुल्हाड़ी वगैरह से अब आती है सॉइल टाइप्स सॉइल जो है कई सारे टाइप्स की होती है एज यू नो वेदरिंग वेदरिंग का मतलब होता है सॉइल का मतलब जो रॉक होती है ना रॉक का टूट करके मिट्टी बन जाना वेदरिंग होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटीरियल्स जो रॉक्स की वेदरिंग होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर देती है दिस इंक्लूड्स सैंड एंड क्ले तो पत्थर टूटने के बाद कभी सैंड बनती है तो स्ले भी आ, क्ले भी बनती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स आर फॉर्म तो कितनी रॉक बनेगी कितनी क्ले बनेगी ये डिपेंड करता है उस पत्थर पर जिससे टूट करके ये बनी है मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल दिस इज इंपॉर्टेंट अब आपसे पूछा जाए कि इज सॉइल तो आप बताएंगे कि रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग मिट्टी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया प्लांट की रूट्स, अर्थ फॉर्म्स ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल का सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस सॉइल को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग पार्टिकल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से मतलब किस टाइप की सॉइल होगी उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे उसमें क्या क्या मिलता है उससे तो सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सेंडीज ऑयल तो अगर ऐसी मिट्टी है जिसमें आप लोगों को एक 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 दाना अलग अलग दिख रहा है मिट्टी का तो इस तरीके की मिट्टी जो होती है उसको हम लोग सेंडीज ऑइल कहते हैं अगर प्रोपोर्शन जो है सॉइल का वो फाइन पार्टिकल्स है इज रिलेटिवली

इफ द प्रोपोर्शन ऑफ़ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेली सॉइल और अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे 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 हैं तो क्लेली सॉइल और अगर पार्टिकल छोटे भी उतने ही हैं जितने बड़े हैं तो उसको हम लोमी सॉइल बोलते हैं लोमी सॉइल जैसे क्लेली और सैंडी का मिक्सचर टाइप्स होती है दस द साइल कैन बी क्लासीफाइड है सेंडी क्लेली एंड लोमी तो सॉइल तीन टाइप की होती है एक सेंडी जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं क्लेली जिसके पार्टिकल्स बहुत नाने नने और पास पास होते हैं और क्ले और जो लोमी होती है उसमें कुछ पार्टिकल बड़े तो कुछ छोटे होते हैं अब द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी अब जो साइज़ होता है सॉइल के पार्टिकल्स का वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे असर डालेगा कि नहीं डालेगा ज़रूर डालेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पे असर बड़े होगी तो कुछ अलग टाइप की सॉइल बन जाएगी है ना छोटी होगी तो अलग तो सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज अगर सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर तो वो पास पास नहीं रह सकते सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम वो बड़े होते हैं दूर दूर होते हैं एक दूसरे से तो उनके बीच में काफी सारा स्पेस होता है स्पेसिस आर फिल्ड विद एयर और ये जो स्पेस होता है ना अलग अलग पार्टिकल्स का ये हवा भर देती है वी से दैट सेंट इज वेल एरिएटेड तो मतलब जो सेंडी सॉइल होती है ना सेंडी ऑइल जिसमें ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो काफी वेल well एरिएटेड होती है क्योंकि उनके बीच में हवा होती है वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द प्रोसेस बिटवीन द सेंट पार्टिकल्स और पानी जो है ना सेंट के पार्टिकल्स क्योंकि दूर दूर होते हैं तो पानी आता है फटाफट वहां से निकल जाता है तो ये जो सॉइल होती है ना ये काफी हल्की होती है एरिएटेड होती है एंड राधा ड्राई और सूखी रहती है क्योंकि पानी उसमें आएगा तो पार्टिकल के बीच में सॉरी एकदम निकल जाएगा तो ये जो सैंडी सॉइल होती है ना ये सूखे इलाकों में हमें देखने के लिए मिलती है क्ले पार्टिकल्स बींग मच स्मॉलर क्ले पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं छोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पास जैसे ऐसे छोटे हैं बट एक दूसरे से बिल्कुल चिपके पड़े हैं लिविंग लिटिल स्पेस फ्योर एयर तो हवा इनके बीच में नहीं घुस पाती अनलाइक सेंडी सॉइल वाटर कैन भी हेल्ड इन बिटवीन टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले अब छोटे छोटे सा गैप होता है बहुत ही थोड़ा थोड़ा तो पानी इनके बीच में फंस जाता है तो क्लेली सॉइल जो होती है उसमें हवा कम होती है बट उसमें पानी अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिल जाता है बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम तो लोमी सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है हम लोगों को प्लांट उगाने के लिए क्योंकि ये सैंड का मिक्सचर होती है क्लेली और सैंडी सॉइल का मिक्सचर होती है लोमी है ना तो लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑफ क्ले एंड टाइप पार्टिकल सिल्ट और इसमें लोमी में सिल्ट भी होता है सैंड क्ले और सिल्ट होता है लोमी सॉइल में सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स तो सिल्ट कहां पर हमें मिलता है नदियों के किनारे पर हमें मिलता है द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले अब सैंड बहुत ही बड़ा क्ले बहुत ही छोटा और जो सिल्ट होता है वो सैंड और क्ले के बीच का साइज पार्टिकल होता है इसका लोमी सॉइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट लोमी सॉइल जो होती है वो उसमें ह्यूमस भी होता है इट हैज राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और इसकी जो बिल्कुल अच्छी वाटर कैपेसिटी होती है आराम से इसमें इतना पानी रह जाता है जिससे हम लोग अच्छी खासी फसल उगा सकें तो हमने देखा ना कि जो लोमी सॉइल है वो एक तरह से मिक्सचर है दोनों का सेंट का और क्लेली सॉइल का तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉइल होती है इसमें सैंड क्ले और सिल्ट होती है और सबसे बढ़िया ये सॉइल होती है पेड़ उगाने के लिए इसमें अच्छा खासा ह्यूमस भी होता है और वाटर भी इसमें अच्छे से रह जाता है जो ह्यूमस और वाटर दोनों के दोनों प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों के दोनों लोमी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो अब ये हमने इसमें देख लिया अब अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो देखते हैं पर्कुलेशन रेट ऑफ वॉटर इन द दॉल पॉकुलेशन रेट का मतलब होता है कि कितनी स्पीड से पानी मिट्टी में जा रहा है पहली और पूछो ने मार्क करे थे देखिए इसमें यह बताया गया है कि पहली पूजो ने क्या किया कि मार्क् किए टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ फाइव मतलब दो स्क्वायर लिए उन्होंने ठीक है वन ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड तो एक उसने उन्होंने क्या किया अपनी किचन के फ्लोर पर रख दिया और एक कच्ची रोड पर रख दिया दे फिल टू बॉटल्स ऑफ द सेम साइज़ विद वाटर अब दो बॉटल्स भी ली उन्होंने और उन दोनों बॉटल्स में उन्होंने पानी भर दिया दे एम टीड द वॉटर फ्रॉम द बॉटल्स ऑन वन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर्स तो जो स्क्वायर्स उन्होंने दो लिए थे ना दोनों के दोनों Uh, उन्होंने क्या किया पानी इससे भर दिए और एक तो किचन के फ्लोर पर रखा था और एक कच्ची सड़क पर रखा था तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया दैट वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन एंड वॉज नॉट ऑब्जॉर्व एब्जॉर्व मतलब कि जो अगर उन्होंने किचन में एक बर्तन में पानी भरा और वो बाहर निकल गया तो वो सूखा नहीं ना ही एब्जॉर्ब हुआ वो ऊपर का ऊपर ही पड़ा रहा कच्ची रोड जो थी उसमें वाटर जो है वो मिट्टी के अंदर चला गया क्योंकि मिट्टी पानी को अपने अंदर ले लेती है अब इससे क्या समझ में आया उन्हें इससे उनको ये समझ में आया कि जो फर्श होता है ना उसका पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है और जो मिट्टी होती है मिट्टी का पर्कुलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फिर आगे हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परकोलेशन रेट तो देखिए परकोलेशन रेट ना हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं परकोलेशन क्या होता है रेट अमाउंट ऑफ वाटर और परकोलेशन टाइम मतलब कितना टाइम लगा वाटर को ज़मीन के अंदर जाने के लिए या फिर मिट्टी में एब्जॉर्ब होने के लिए कितना टाइम उसको लगा वो उसका परकोलेशन रेट होता है सपोज़ करिए कि वाटर आपका टू हंड्रेड था और उसको टाइम लगा 20 मिनट्स ठीक है तो टू जीरो से ज़ीरो कटा और टू वन जा टू टेन जो ट्वेंटी तो टेन मिलीमीटर पर मिनट तो टेन मिलीलीटर ली लीटर एक मिनट में पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया यही इसमें एक्टिविटी है कि चार बच्चों का ग्रुप है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सारे बच्चों ने पाइप को जब मिट्टी में डाला एक तो और उन्होंने टाइम नोटिस किया कि ऊपर जो था पानी कितनी देर में अंदर एब्जॉर्ब हो गया ये इनकी एक्टिविटी थी हमने भी यही है देखिए सिंपल सी चीज़ यही है कि पर्कुलेशन रेट जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास पानी कितना है और पर्कुलेशन टाइम आपने पानी डाल दिया जमीन पर और तभी से आपने टाइम नोट करना शुरू करा कि कितनी देर में वो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और वही उसका पर्कुलेशन रेट होता है कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन ठीक है तो इस तरीके से हम पर्कुलेशन रेट कैलकुलेट करते हैं पॉकुलेशन का मतलब है कि कितने टाइम में जो पानी है वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है अब आता है मॉइस्चर इन इनजॉइल तो देखिए जितना पॉपुलेशन रेट होगा उतना ही मॉइस्चर होगा सॉइल में क्योंकि जितना पानी जाएगा उतनी ही मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग द हॉट समर डे क्या आप लोगों ने कभी किसी खेत से गुजरे हैं जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी का टाइम हो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऊपर लैंड के ऊपर की जो uh, वो है ना हवा वो थोड़ी सी हिल सी रही है शिमक कर रही है चमक रही है और हिल रही है तो ऐसा क्यों होता है तो एक्टिविटी देखते हैं इसका पता लगाने के लिए तो आप लोगों से बोला गया है कि एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए एक ट्यूब लीजिए ठीक है जिसको आप लोग बॉईल कर सकते हैं और उसमें क्या डालिए कुछ मिट्टी का सैंपल डालिए फिर उसको क्या करिए गर्म कर दीजिए आपने मिट्टी डाली इसमें और इसको क्या करा गर्म कर दिया जैसे कि फिगर में दिखा रखा है यहाँ पर ये यह देखिए आपने मिट्टी डाली सॉइल का सैंपल है आपने इसमें बर्नर गर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे जब उसमें नीचे से तो आ, वाटर ड्रॉपलेट्स उस मिट्टी में आपको दिखने लगेंगी क्यों क्योंकि उसमें नमी होती है इसलिए दिखने लगती है तो हीटिंग जब आप करेंगे तो सॉइल वाटर जो होता है ना सॉइल में वो इवेपोरेट होने लगता है ऊपर मिट्टी में क्योंकि पानी प्रेजेंट होता है जब आप लोग को उसको गर्म करेंगे तो भाप बन के वो ऊपर होने लगेगा वो ऊपर जाएगा कंडेंस हो जाएगा मतलब ऊपर जाएगा भाप बन के और ठंडा हो जाएगा और ऐसे ऐसे बूंदे जो हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी उस जो टेस्ट ट्यूब हो गया जिसमें आप लोग बॉईल कर रहे हैं उस बॉइलिंग ट्यूब में तो जो कोई हॉट समर डे होता है ना द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल क्या होता है कि जो बहुत ही गर्मी वाला दिन होता है मिट्टी होती है मिट्टी में इससे ऊपर पानी होता है क्योंकि मिट्टी में तो भाप बनके थोड़ा बहुत उड़ रहा होता है तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है और एयर ऊपर जो है वो हमें हिलती हुई सी दिखती है आफ्टर हीटिंग द सॉइल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें जब हम सॉइल को हीट करने के बाद टेक इट आउट फ्रॉम द ट्यूब गर्म कर दिया मिट्टी आप निकालिए फिर कंपेयर इट विद द सॉइल तो जब आप लोग कंपेयर करेंगे ना तो आपने टेस्ट ट्यूब में गर्म करी है सॉइल उसको और जो बाहर ग्राउंड में पड़ी होगी तो कंपैरिजन के बाद आप लोगों को पता लगेगा जिस सॉइल को आपने गर्म कर दिया उसमें पानी नहीं है और जो आपने ज़मीन से उठाई होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होगा तो ये हम लोगों को मॉइस्चर इन द सॉइल समझ में आ जाता है कि जो सॉइल होती है मिट्टी होती है उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी होती है अब आगे आता है एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर बाय सॉइल सॉइल में कितना पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो वही फिर से हम लोग एक्टिविटी करते हैं अब हमें क्या करना है प्लास्टिक की फनल लेनी है फनल ऐसे करके होती है प्लास्टिक की फनल लेनी है फिर टेक अ फिल्टर पेपर फिर हमें फ़िल्टर पेपर लेना है या फिर न्यूज़ या फिर कोई सी भी शीट लेनी है अब फोल्ड एंड प्लेस इट ये देखिए तो आपको क्या करना है अः ये फनल लेना है और फिर एक शीट को आपको क्या करना है फोल्ड करके इस तरीके से जैसे कि वो लिया आपने फनल और शीट को फोल्ड करके आपने इस फनल में ऐसे करके लगा दिया फिर आप लोगों को क्या करना है वेट ऑफ वे फिफ्टी ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट द फनल फिर आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर आपने फनल लगा दी इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करा अखबार सा लगा दिया फिर आप लोगों को सूखी हुई मिट्टी लेनी है और 50 ग्राम वेट करके 50 ग्राम सूखी हुई मिट्टी लेनी है और उसको क्या करना है फनल में डाल देना है अब मेजर अ सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर आप मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ना यहाँ पर देखिए इसमें तो नहीं दिखा रखा है खैर मेजरिंग सिलेंडर होता है ऐसे करके होता है उसमें ना मेजर बने होता है कि एक लीटर फिर कितने एम एल ऐसे ऐसे करके मेजरिंग सिलेंडर होता है तो उसमें आप लोगों को क्या करना है वाटर को मेजर करना है एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल तो आपने मेजरिंग सिलेंडर से ले लिया और ये ड्रिपर होता है ड्रॉपर से आपको क्या करना है बूंद 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 करके इसमें पानी डालते जाना है फिर उसके बाद आपको क्या करना है डू नॉट लेट द वाटर फॉलेट वन स्टॉप तो आप लोगों को मतलब सिर्फ एक ही जगह नहीं डालना है आप लोगों को जगह 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 करके डालते जाना है तो हर तरफ आपको सॉइल पे वाटर डालना है और उस पर वाटर आपको डालते रहना है ठीक है तो आप ऐसे करके ड्रॉपर से पानी डाले जा रहे हैं अब सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद अब मेजरिंग सिलेंडर आप लोगों ने क्योंकि यहाँ पे पानी इससे सपोज करिए इतना पानी था फिर आप ड्रॉपर से ले ले करके ऐसा है देखिए ये आपका मेजरिंग सिलेंडर था यहाँ पे इतना पानी था फिर आप इस ड्रॉपर से यहाँ से पानी ले रहे हैं और इसमें डाले जा रहे हैं ले रहे हैं डाले जा रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद आप लोग को क्या करना है कि इसमें मेजर करना है कि पानी कितना बचा है तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो हो सकता है पानी अब यहाँ पर आ गया हो बच कम बचा होगा दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन द ठीक है तो अब यहाँ पर आप लोग डाले जा रहे थे फिर आप देखिए कि यहाँ पर इस बीकर में से निकल गया ठीक है अब इस ये जो ये है ये वाला इस डब्बे में कितना पानी नीचे आ गया है मतलब कितना पानी आपने डाला था वो देखिए आप जैसे कि सपोज करिए आपने एक लीटर पानी डाला था तो आपने पहले से मेजर कर लिया कि आपने एक लीटर पानी डाला है अब जरा इस डब्बे में देखिए कि नीचे की तरफ एक लीटर में से कितना पानी यहाँ पर नीचे गिर गया है और कितना पानी जो है इसमें ऊपर सॉइल में बच गया है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा होपफुली आपको समझ आ गया है तो हमें इसमें अब कुछ एक एक्सपेरिमेंट सा दिया है कि मिट्टी का जो वेट है वो पचास ग्राम है इनिशियल वॉल्यूम जो थी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर सपोज़ करिए कि वो यू एम एल है मतलब आप टेन एम एल ले लीजिए कि दस एम ml पानी था पहले से मेजरिंग सिलेंडर में और फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर आप देखिए सपोज करिए कि वो पहले दस था तो आप सपोज करिए कि पंद्रह हो गया वो पहले आपने 10 ऐसे ही ले रखा था इसमें 10 एम पानी छोड़ रखा तो फिर एक दूसरे में से एक लीटर में से आप लोग डाले जा रहे थे फिर टपक टपक के पाँच लीटर इसमें और आ गया तो टोटल मिला करके अब इधर वाले में पंद्रह हो गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब द वॉयल अब वाटर सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब किया है आप लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं पहले दस था अब पंद्रह हो गया है तो, तो पंद्रह में से दस को माइनस कर दीजिए क्या आ गया पाँच जो है एम एल वाटर स्टोर कर लिया किसने या फिर एब्जॉर्ब कर लिया मिट्टी ने तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं कि मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो परसेंटेज क्या होता है हमेशा कितना घटा या बढ़ा v- माइनस यू अपॉन टोटल कितना था टोटल मिट्टी कितनी थी 50 और हमेशा उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं ना ऑप्टेंड मार्क्स फिर टोटल मार्क्स है ना और इंटू आपको करना होता है हंड्रेड तो फिर इंटू हंड्रेड तो आप करेंगे फिर टोटल कितना था यहाँ पे फिफ्टी था और बच्चा कितना ऑप्टेन कितना हुआ मतलब यहाँ पर इसमें कितना पानी रह गया वो हम लोगों ने वी माइनस यू करके निकाला था ना कि मिट्टी ने कितना पानी अब्जॉर्ब कर लिया मतलब बीकर में पहले पानी कितना था फिर इस तरीके से हम लोगों ने फनल से जब तब पानी भेज रहे थे तो फिर कितना ये बीकर में हो गया तो हमें पता है हम लोग कितना भेज रहे थे हम लोगों ने एक लीटर पानी डाला था अब एक लीटर में से कितना चला गया वो हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे सिंपल से आप लोगों को ये समझना है कि पहले कितना था अब कितना है उन दोनों को माइनस करके आप निकाल लेंगे कि मिट्टी ने ऊपर कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा तो आ रहा है ना देखिए इसमें कितना पानी रह गया मिट्टी में वो हम लोग कैसे निकालेंगे कितना पानी हमने डाला था और कितना बीकर में है उस हिसाब से हम लोग निकाल निकालेंगे तो ये आप लोग रिपीट कर सकते हैं एक्टिविटी फिर कुछ क्वेश्चन हैं विच सॉइल वुड हैव हाइस्ट पॉपुलेशन रेट तो आपने अलग 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 टाइप की मिट्टी इकट्ठी करी है तो कौन से आपने उन मिट्टियों को ए बी सी डी नाम दे दिया फिर किसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रेट है मतलब कितना ज़्यादा पानी नीचे आ रहा है वो आप लोग निकाल सकते हैं विच किस सॉइल का लोएस्ट पॉपुलेशन रेट है ये तो एक्टिविटी है तो इसमें यहाँ पे एक्टिविटी है कि किसका ज़्यादा है तो कंपैरिज़न करके ही आप लोग कर सकते हैं अब सॉइल एंड क्रॉप्स मिट्टी और कौन, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है उसके बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे बता रखा है ग्राम किलोग्राम ये यूनिट ऑफ मास होती हैं तो ग्राम जो है वो छोटा होता है किलोग्राम से आप लोग किसी चीज़ का भार नापने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इन यूनिट्स का अब सॉइल एंड तो देखिए अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है हमारे देश में है ना तो इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेली सॉइल तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं हमारे देश के उसमें क्ले वाली सॉइल होती है क्लेली सॉइल होती है ठीक है मतलब इस टाइप से होती है वो थोड़ी सी मोटी सी सॉइल होती है उससे आप लोग कुछ कुछ शेप्स बना सकते हैं तो वो क्लेवी सॉइल होती है कुछ बाकी पार्ट्स जो होते हैं उसमें लोमी सॉइल होती है लोमी सॉइल मतलब मिट्टी और क्ले का मिक्सचर सा होता है कुछ होती है कि रेत रेत सा होता है जैसे कि राजस्थान में मिलती है तो सॉइल जो होती है किसी भी इलाके की वो इस पर डिपेंड करती है कि वहाँ की विंड कैसी है हवा कैसी है वहाँ की बारिश कैसी है टेम्परेचर लाइट ह्यूमिडिटी ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी तो वहाँ की हवा कैसी चल रही है बारिश कैसी पड़ रही है टेम्परेचर लाइट ह्यूमिडिटी इन सब पे डिपेंड करता है ये कुछ फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉइल की प्रोफाइल को एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर तो सॉइल कैसी होगी ये इन सब चीजों पर डिपेंड करता है और सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो विंड पर वहाँ की टेम्परेचर पर और वहाँ पर कितनी लाइट है मतलब गर्मी सर्दी कितनी है कितनी ह्यूमिडिटी हवा में कितनी नमी है कितनी बारिश हो रही है इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी होगी क्लाइमेटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल जो उसमें होते हैं तो वो डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल है और वहाँ का टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी रेनफॉल कैसी है ये डिपेंड डिफाइन करता है कि किस तरीके की वहाँ पर फसल उगेगी तो आप अगर यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ की जो मिट्टी है वो एलोवेरा सॉइल है तो वहाँ पे इसलिए जो है राइस उग जाता है काफ़ी अच्छे से और बाकी सारी फसलें और अगर आप लोग महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ की जैसी मिट्टी है वहाँ पर कॉटन अच्छा उगता है तो अलग अलग मिट्टी के हिसाब से ही वहाँ पर फसलें उगती हैं तो क्लेली और लोमी सॉइल्स जो होती हैं आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल की वीट ग्राम तो क्लेली और लोमी सॉइल जो होती है वहां पे वीट गेहूं उग जाता है ग्राम कुछ दालें वगैरह भी उग जाती है सच्चर गुड एट रिटेनिंग वाटर तो क्लेली और लोमी सॉइल्स जो होती है ना इसमें पानी अच्छे से रुक जाता है क्ले में खूब अच्छा पानी रुक जाता है पैडी यानी कि धान यानी कि चावल तो चावल के लिए जो सॉइल होनी चाहिए ना रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर तो पानी भी अच्छा खासा रुक जाए हाँ और मतलब वहाँ पे क्ले हो और ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर मतलब आप खाद कह लीजिए खाद होना चाहिए तो जो राइस की फसल उसको पानी चाहिए होता है अच्छी खाद चाहिए होती है और जो मसूर की दाल होती है और बाकी सारी जो पल्स होती हैं लोमी सॉइल्स विच रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड तो लोमी सॉइल चाहिए क्योंकि जो दालें होती हैं उनको पानी कम चाहिए होता है तो जल्दी से पानी निकल जाए ऐसी वहाँ पे मिट्टी में दालें उगती हैं कॉटन के लिए हमें सैंडी लोमी सॉइल चाहिए विच रेन वाटर ईजिली तो इसमें अलग अलग सॉइल्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी साइल के लिए आ, कौन कौन सी साइल में कौन कौन सी फसल उगती है और काफ़ी सारी हवा चाहिए कॉटन को इसलिए वहाँ पे जो क्लेली वाली सॉइल होती है लोमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है क्रॉप जैसे कि वीट हो गया उनको क्लेली सॉइल चाहिए बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड अ वेरी फर्टाइल तो काफ़ी फर्टाइल होती है जो क्ले वाली सॉइल होती है तो वहाँ पर वीट उगता है तो आप लोग अपने पेरेंट्स से टीचर्स से पूछें कि कौन कौन सी सॉइल में क्या क्या उगता है किसका पॉपुलेशन रेट ज़्यादा होता है किसका पॉपुलेशन रेट कम होता है तो इस तरीके से हम लोग केवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड तो पॉपुलेशन मतलब होता है कि कितना नीचे चला जाता है ज़मीन में और कितना मिट्टी में रह जाता है वो रिटेंशन होता है मिट्टी का पॉपुलेशन कि मतलब कितना ज़मीन के अंदर चला गया वो पॉपुलेशन रेट होता है सॉइल इरोजन क्या होता है द रिमूवल ऑफ प्लान्टफेज बाय वाटर विंड और आइस इज रोनज इरोजन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है तो मिट्टी जो होती है आपकी मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है वो पानी की वजह से हवा की वजह से डिफोरेस्टेशन की वजह से मतलब पेड़ों को काटने की वजह से कई सारे रीज़न होते हैं उसकी वजह से जो मिट्टी होती है ना वो ख़राब होने लगती है उसको ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं प्लांट की जो रूट्स होती हैं ना वो सॉइल को काफ़ी अच्छे से बांध के रखती हैं और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो काफ़ी लूज हो जाएगी और वह हवा और पानी से ईजीली उड़ आती है तो इरोजन ऑफ सॉइल काफ़ी ज़्यादा सिवियर होता है जहाँ पर वेजिटेशन ना हो जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो तो आराम से मिट्टी उड़ जाती है तो इसलिए हमें जो डेजर्ट के इलाके होते हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन देखने को मिलता है तो कट जो डिफॉरेस्टेशन हो गया पेड़ों को काटने से हमारी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है तो ये तो केस स्टडी है तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मटके बनते हैं तो जॉन राश्रिदा राधा जो है वो लीलाधर दादा के घर जाती हैं और वहां पर पूछती हैं कि मतलब वो वहाँ पर देखते हैं वो सुराही मटकी कढ़ा फ्राइंग पैन वगैरह ये सब बना रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम उनसे पूछते हैं बच्चे कि आप लोग कहाँ से लेकर के आते हैं तो वो कहते हैं कि पास में एक बंजर खेत है वहाँ से हम लोग क्या लेकर के आते हैं मिट्टी लेकर के आ जाते हैं ब्लैक मिट्टी ब्लैक सॉइल लेकर के आते हैं फिर हम एक बड़े से टैंक में उस मिट्टी को डाल देते हैं फिर उससे जो पत्थर होते हैं कंकड़ पत्थर वगैरह वो सारे निकालने के बाद आठ घंटे तक उस मिट्टी को सुखा करके रखते हैं फिर उसको नीड करते हैं जैसे आटा कूथते हैं इस तरीके से उसको कूथा जाता है फिर उसको छोड़ दिया जाता है फिर उसको शेप दी जाती है ऐसे करके इस तरीके से शेप देते हैं मिट्टी को फिर जब वो अपनी शेप में आ जाती है घड़े बड़े फिर उनको सुखाया जाता है फिर उस पर कलर पेंटिंग वगैरह करके बेच दिया जाता है तो यही बस इसमें बताया गया है हमें